नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको नौ गजा पीर जी की साधना बताऊंगा कि दोस्तों, जो हरियाणा से हैं, जो मेरे मित्र या बहन हरियाणा से हैं, तो शाहबाद का नाम तो आपने सुना होगा। शाहबाद जाते हुए बीच में नौ गजा पीर आते हैं, तो आज मैं उनकी साधना आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नौ गजा पीर जी का स्थान हरियाणा के जिला शाहबाद में है दोस्तों। नौ गजा पीर जी बड़े ही करामाती पीर हुए हैं, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समान रूप से श्रद्धा रखते हैं और अपनी मुंह मांगी मुरादें पाते हैं। एक मान्यता के अनुसार नौ गजा पीर जी का नाम सैयद इब्राहिम था, पर उनका कद नौ गज लंबा था, इसलिए उन्हें नौ गजा पीर कहा जाता था। नौ गजा पीर जी आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और दोस्तों उनकी मुरादें पूरी करते हैं। नौ गजा पीर को सिद्ध कर लिया जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो पूर्ण ना किया जा सके। ऐसे अनेकों लोगों को मैं जानता हूं दोस्तों, जिन्हें 10-15 साल शादी को हो गए थे, मगर कोई दोस्तों औलाद उनके पास नहीं थी, पर केवल नौ गजा पीर की मजार पर माथा टेकने से उन्हें संतान की प्राप्ति हो गई। और नौ गजा पीर की सिद्धि अधिकतर दोस्तों तांत्रिक लोग ही करते हैं, क्योंकि वह नौ गजा पीर जी के द्वारा तांत्रिक क्रियाओं का निवारण करते हैं। भूत प्रेत किया कराया, घर में खून के छींटे आना, औलाद ना होना, ऐसी अनेकों समस्याओं का निवारण नौ गजा पीर तुरंत कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो यही कहूंगा, एक बार इस साधना को अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी साधना है, और इसका ये भी एक फायदा है, जिन बच्चों को बच्चा नहीं होता, इनकी साधना से वो उनको बच्चा भी करवा सकते हैं, इनकी साधना करें। तो दोस्तों, मैं आपको इनके मंत्र बता रहा हूं, जो कि मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मंत्र इस प्रकार है। उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूर्व जाऊं, पश्चिम जाऊं, जाऊं नदी की तीर, नौ गजा पीर, सवा शेर लड्डू, पांच गज ओढ़नी, खोल दे बंधन, गोंस आजम, दस्तगीर की दुहाई। तो दोस्तों, मंत्र मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूर्व जाऊं, पश्चिम जाऊं, जाऊं नदी के तीर, नौ गजा पीर, सवा शेर लड्डू, पांच गज ओढ़नी, खोल दे बंधन, गोस आजम, दस्तगीर की दुहाई। तो दोस्तों, ये था मंत्र नौ गजा पीर जी का, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इनकी साधना कैसे करनी है पीर की, वो आप सुन लें। इस साधना को आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। साधना के प्रथम दिन पीले मीठे चावल बांटे और रात्रि 10 बजे के बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने गुरुदेव से मानसिक आज्ञा लेकर इस मंत्र का जप शुरू कर दें। जो मंत्र दोस्तों मैंने ऊपर बताया, उसी मंत्र का जप। यह जप आपको 2.5 घंटे करना है, 2.5 घंटे तक दोस्तों रेगुलर करना है। माला की इसमें दोस्तों कोई आवश्यकता नहीं है। साधना के दौरान लोबाण सुलगती रहे और साधक के वस्त्र शुद्ध होने चाहिए, यानी साफ सुथरे। कान में इतर का फाहा लगाकर जप करें। जो इतर आपको लेना है दोस्तों, वो है मजमुआ इतर, ठीक है। और अपने शरीर पर भी इतर लगाकर दीपक के पास सुगंधित ताजे फूल रखें, जैसे कि गुलाब या चमेली का फूल। यह क्रिया आपको पूरा ही 41 दिन तक करनी है। अंतिम दिन यानी दोस्तों 41वें दिन एक 9 गज की हरी चद्दर
सवा किलो लड्डू, एक मीठा पान, एक सुपारी और इतर का फाहा किसी पीर की मजार पर चढ़ाएं। साधना के दौरान भूमि शयन करें। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनकी प्रयोग विधि आपको बता रहा हूँ। जब कोई विशेष कार्य पीर बाबा से करवाना हो तो यह उन्हें यह मंत्र 21 बार पढ़कर फरियाद करें और अपना कार्य बोल दे, जो कि मंत्र दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, जो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कार्य पूरे होने पर पीर बाबा जी को ऊपर लिखा चढ़ावा चढ़ाकर शुक्राना जरूर करें। तो दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है, साधना खत्म होते होते किसी ना किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में पीर बाबा आपको दर्शन अवश्य दें। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, ठीक है दोस्तों। जो हरियाणा के मेरे दोस्त या मेरी बहनें हैं वो नोगजा पीर के बारे बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जो शाहबाद से पहले आता है, जो मेन सड़क पे ही है दोस्तों, और हर कोई ट्रक वाला या हर कोई रास्ते में जाते उनकी दरगाह पे जरूर मत्था टेकता है। तो दोस्तों जो आपको पिक्चर नजर आएंगी मेरी वीडियो में वो वहां की ओरिजिनल पिक्चर है। अगर किसी भाई बहन को उनकी दरगाह पे आना है तो दोस्तों मैं उनका एड्रेस आपको व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ, तो वहां पे आइए और अपनी फरियाद रखिए पीर बाबा की। और जो कोई इंसान इस साधना को करना चाहता है तो वो भी कर सकता है दोस्तों। और इस साधना को करने का ये फायदा होगा दोस्तों, जिन माँ के या जिस बहन के डॉक्टरी प्रॉब्लम नॉर्मल आ रही है, बच्चा नहीं हो रहा, तो दोस्तों वो पीर बाबा की साधना से वो बच्चा उनको हो सकता है, ये इतने करामाती पीर है। तो दोस्तों ये मेरे पास खुद सिद्ध है और मैं ये काम मैंने दोस्तों दो लोगों के किए भी हैं, जिन बहनों को बच्चा नहीं हो रहा था, और पीर बाबा की दया से और मेरी मसान की दया से उनके वो बच्चा हो गए। तो दोस्तों आप भी अपनी जिंदगी में इसे अपनाइए, इस साधना को करें और लोगों का भला करें दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों जो भी कोई इस साधना को करेगा तो प्लीज जो भी उन्हें अनुभव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।